नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो इसी हाई अलर्ट के बीच लोगों को भारी चेतावनी भी जारी की गई है। तो क्या ये तमाम खबर रहने वाली है, हाई अलर्ट से जुड़ी हुई आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो हिमाचल में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन से 9 घंटे बंद रहा भरमौर पठानकोट हाईवे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में कमजोर रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 अगस्त तक प्रदेश के कई भागों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं 5 व 6 अगस्त के लिए प्रदेश मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में फिर से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात करें तो लाहौल स्पीति को छोड़ सभी अन्य जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में 7 और 8 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार बरसात की वजह से मंगलवार यानी आज सुबह तक प्रदेश में 45 सड़कें यातायात के लिए ठप थीं। वहीं कांगड़ा जिले के मुल्थान के बुजिलिंग गांव में भारी बारिश से बड़ी मात्रा में मलबा खेतों में पहुँच गया, इससे फसलों को नुकसान हुआ है। मुल्थान तहसीलदार मुल्थान पीसी कोंडल ने टीम सहित मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। तो यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में आगामी 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इससे जो है लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी रहेगी। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।